जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह परिवर्तन की जिसका राशि परिवर्तन होने से आने वाला है 6 राशियों के जीवन में प्रभाव, और वो प्रभाव आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या पर्सनल लाइफ की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यानी कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है उन 6 राशियों के लिए अद्भुत लाभ लेके आया है। और वो कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपना राशि परिवर्तन कर रहा है? और वो ग्रह है शुक्र यानी वीनस। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो लग्जरी के लिए जाना जाता है, जो धन के लिए, जो पर्सनल लाइफ और प्रेम के लिए जाना जाता है। वह राशि परिवर्तन कर पहुंच रहा है मिथुन राशि के अंदर, और शुक्र का मिथुन राशि में परिवर्तन जो होने जा रहा है वो आने वाले समय में 6 राशियों को देने वाला है लाभ। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि शुक्र का राशि परिवर्तन कौन सी ऐसी 6 राशियां हैं जिनको लाभ देने वाला है। सबसे पहली राशि जिसको शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश लाभ देगा वो राशि है वृषभ राशि, यानी कि शुक्र की अधिपत्य राशि, खुद की राशि। और शुक्र की अधिपत्य राशि वृषभ राशि की जब हम बात करते हैं तो ऐसे लोग जो शुक्र की इस राशि वृषभ राशि से संबंध रखते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश, यानी कि आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन से संबंधित कोई समस्या जब चल रही थी तो वो लाभ देने वाली है, या विवाह से संबंधित कोई समस्याएं चल रही थी तो वो अब सही होने वाली है। और दूसरी, यदि हम बात करें कि आप यदि किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या आपके किसी से संबंध थे और वो संबंध बहुत मधुर नहीं थे, तो उसमें भी आने वाले समय में आपको लाभ मिलने वाला है। दूसरी चीज, वृषभ राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो धन से संबंधित यदि कोई समस्या ऐसी जो धन फंसने से संबंधित थी, यानी कि आपका कहीं पर पैसा फंस गया था, तो आप समझिए कि आपके आने वाले समय में वो धन आपका वहां से निकलना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो राशि है मिथुन राशि में जो प्रवेश शुक्र का होगा और उसको लाभ मिलने वाला है वो खुद है मिथुन राशि, यानी कि एक ऐसी राशि जिसका बुध स्वामी होता है और जो शुक्र का मित्र है। और जब बुध की राशि मिथुन में शुक्र का प्रवेश होगा तो आप समझिए कि आने वाले समय में बुध की राशि इस मिथुन राशि को भी लाभ होते हुए दिखेंगे। क्या लाभ होते हुए दिखेंगे? यदि आपके आपसी संबंध या सामाजिक संबंध खराब हो रहे थे तो यहां पर आपको उन संबंधों में लाभ होते हुए दिखेगा। या कोई ऐसा संबंध आपका खराब हो गया था किसी से भी, वो आपका मित्र भी हो सकता है, वो आपका परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, तो वो संबंधों में आपको यहां पर लाभ होते हुए दिखेगा। दूसरा, कोई भी इन्वेस्टर आपको नहीं मिल रहा था अपने काम के लिए, या आप कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते थे जो पार्टनर आपको नहीं मिल रहा था, तो आने वाले समय में आपको 2 मई के बाद ये काम बनते हुए दिखने लगेगा। बात करें तीसरी राशि की जिसको लाभ होने वाला है, वो तीसरी राशि है कन्या राशि, जो बुध की ही राशि है, जिसको लाभ होते हुए आप देखेंगे। इस राशि को जब हम बात करेंगे तो खास तौर पे एक तो संतान से संबंधित लाभ होते हुए देख रहे हैं। 2 तारीख के बाद जैसे ही मिथुन राशि में शुक्र जाएंगे, कन्या राशि वाले जितने जातक हैं, संतान से संबंधित समस्या थी या संतान कोई भी ऐसी परीक्षा वो दे रहे हैं जो कन्या राशि के लोग हैं उनकी संतान, तो उस परीक्षा में उनको लाभ होते हुए देखेंगे। नौकरी से संबंधित यदि समस्या थी तो संतान को नौकरी मिलने में जो समस्या थी वो भी समाप्त होगी। और अगली चीज की जब हम बात करें तो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी संतान को मिल सकती है जो धन की दृष्टि से उसके जीवन में लाभ देते हुए दिखेगी। अगली राशि जिसको लाभ होते हुए आप देखेंगे वो राशि है तुला राशि, और ये राशि शुक्र की राशि है दूसरी, जिसमें आप देखेंगे कि आपके जीवन में साधारण तरीके से पैसा आने लगेगा। यानी कि अभी आपने देखा होगा बहुत सारी मेहनत करने के बाद आप धन अर्जित कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय जब बुध राशि में जब ये जाएगा मिथुन की राशि में, तो शुक्र का प्रभाव आपकी राशि पर, तुला राशि पर साफ साफ दिखेगा और आसानी से पैसा, यानी कि स्मूथली पैसा आपके जीवन में आने लगेगा। यानी व्यापार में आपकी वृद्धि होगी, नए नए कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे, और आप देखेंगे कि यदि आप नौकरी में हैं तो प्रमोशंस या आपको कहीं से अर्थ प्राप्ति होना शुरू होगी। यानी कह सकते हैं धन की दृष्टि से यह समय बहुत अच्छा होने वाला है। और यहां पर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की बात करें तो भी तुला राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत उत्तम देखा जा रहा है। अगली राशि है जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो राशि है मकर राशि।
मिथुन राशि में शुक्र का प्रवेश मकर राशि को भी लाभ देगा। मकर राशि के जितने जातक हैं वो इस समय साढ़े साती से यानी कि शनि की दृष्टि से परेशान चल रहे हैं, लेकिन आने वाला समय 2 मई के बाद और आने वाला समय जो 2 मई के बाद आएगा वो आप ऐसे मान के चलिए आपको एक नई ऊर्जा देके जाएगा, यानी कि आपके एक तो संबंध बहुत अच्छे होंगे और जो आपके काम की स्पीड है उस स्पीड में बढ़ोतरी होते हुए आप देखेंगे, यानी जो काम आपके डिले होते जा रहे थे, बार बार रुक जा रहे थे, हर्डल्स लग रहे थे, बैरियर आ रहे थे आपके काम में, रुकावटें आ रही थी, वो हटना शुरू हो जाएंगी, यानी आपको लगेगा कि अब आपके जीवन में सफलता बहुत दूर नहीं है। यहां पर हम दूसरी बात करें कि आपके आपसी संबंध यदि पति पत्नी के खराब चल रहे थे या उसमें कोई समस्या चल रही थी तो निश्चित रूप से यहां पर आपको लाभ होते हुए दिखेंगे। और अंतिम जो छठी राशि है जिसको लाभ होने वाला है शुक्र के राशि परिवर्तन से, वो लाभ आप होते हुए देखेंगे और वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो कुंभ राशि में जितने लोग आप शामिल हैं यानी कि जो लोग कुंभ राशि से संबंध रखते हैं उनको यहां पर लाभ होते हुए देखेंगे, व्यापार की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, माता पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम बात करें, या हम बात करें सामाजिक दृष्टि से, या कोई ऐसा कार्य जो बहुत समय से अटका हुआ था तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में उससे संबंधित भी लाभ आपको होते हुए दिखने लगेंगे। यदि हम बात करें कुंभ राशि की तो कुंभ राशि में ऐसे कोई मित्र जो बहुत समय से आपसे छूट गए थे, कोई ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से आपसे दूर हो गए थे, वो आपसे जुड़ने लगेंगे। इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता था कि शुक्र का मिथुन राशि में जो परिवर्तन हुआ है उससे कौन सी ऐसी 6 राशियां हैं जिनको लाभ मिलने वाला है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाके अवश्य बताएं और राधे राधे लिखें, हमारे वीडियो को शेयर करें, आप लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।